नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल बिलियन टेक गुरु जी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में रिलीज हुई आदि पुरुष ओम राउत की बनाई हुई काफी विवादों में गिर गई। मेकर्स ने सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर जो एक्सपेरिमेंट किए वो दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। फिल्म में दर्शकों ने मेकर्स की काफी आलोचना की है और सोशल साइट पर भी इसके काफी सारे सीन्स को ट्रॉल किया गया है। इस फिल्म में वैसे तो तमाम बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन आज हम आपको इस सीन के 5 बड़ी कमियों को दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं आप भी अपना माथा फोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर जो आती है माता सीता की साड़ी। रामानंद सागर की बनाई हुई रामायण में माता सीता जब वनवास जाती है तो उन्होंने गहरे रंग की साड़ी पहन रखी होती है, लेकिन इसी फिल्म में आदि पुरुष में माता सीता को सफेद रंग की साड़ी पहना हुआ दिखाया गया है। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी कमी इस पिक्चर में नजर आई है वो आई है रावण की लंका, यानी कि बच्चा बच्चा जानता है कि जो रावण की लंका थी वो सोने की लंका थी, और इसी फिल्म आदि पुरुष में रावण की लंका को काला दिखाया गया है। तीसरे नंबर पर हनुमान प्रणाम, यानी रामायण पर इतने सारे सीरियल बने, उन सभी सीरियलों में हनुमान जी को माता सीता को प्रणाम करते हुए नजर दिखाया गया है, लेकिन इसी फिल्म में हनुमान जी अपने सीने पर हाथ रखकर माता सीता को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ी कमी नजर आई है वो इस फिल्म में पुष्प विमान। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब माता सीता का हरण रावण करता है तो वो अपने पुष्प विमान में लेकर जाता है, लेकिन इस फिल्म को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में ओम राउत ने माता सीता का हरण करते हुए रावण काली रंग की चमगादड़ पर दिखाई दे रहा है। पांचवा सीन इस फिल्म में जो सबसे बड़ी कमी नजर आई है, मसाज लेते हुए रावण अजगरों से। हमारे ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रावण ने अजगरों से मसाज लिए हैं। इस फिल्म में सिनेमैटिक के तहत ओम राउत ने जो सीन दिखाए हैं वो बिल्कुल भैया सीन दिखाए हैं। उन्होंने सैफ अली खान को अजगरों के बीच में मसाज देता हुआ दिखाया गया है। तो दोस्तों, इस फिल्म में इतनी सारी कमियां हैं और कहीं ना कहीं मुझे इस फिल्म को देखने के बाद में ऐसा लगा कि सनातनी धर्म की काफी मजाक बनाई जाती है और सनातनी धर्मों की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खेला जाता है, और बहुत ज्यादा अफसोस होता है मुझे जब इस तरह के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स और एक्ट्रेस अपना पैसा कमाने के लिए इस तरह की पिक्चरें बनाते हैं और कहीं ना कहीं सनातनी धर्मों के साथ ही भावनाओं के साथ खेला जाता है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताइए, मुझे तो ये पिक्चर बिल्कुल ही भयात लगी। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खेला गया है, और सेंसर बोर्ड से भी मेरी एक अपील है कि ऐसी पिक्चरों को कैसे पास कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रॉल करें ताकि भविष्य में इस तरह की मूवीज ना बने और हिंदू धर्म यानी सनातनी भावनाओं के साथ नहीं खेला जाए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और प्यार देते रहिए। इस कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि इस फिल्म को देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कितनी सही है, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।